ए, यही वो जगह है ना? हाँ यार। ठीक है चल। ए, आ, भाई से हमने पूछा नहीं इस बारे में, मैं फिर से बता रहा हूँ। तू यहीं रुक, मैं डील करके आता हूँ। ए, आ, तुझे क्या पता डील के बारे में? मैं कैसे करता हूँ तू देखता जा। ए, रुक बे, रुक। We can't do anything against him. He has always eyes on us. Trust me. Let's operate from outside. Okay? Sir, tea. क्या कहा? Tea? Tea वगैरह नहीं चाहिए जा? क्या कहा? Tea? Sir, deal के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन से gang से? अपने नीचे कुपम रामदास भाई के ग्रुप से। वो कुछ ही चॉकलेट क्या? जा जा, बहुत बड़ी बात है। Risk भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, रिस्क तो ज़्यादा है, इसलिए तो कोई आया नहीं, लेकिन हम करेंगे। ट्रैफिक रोड पर गाड़ी चलाना सबका काम नहीं है। कहानी अच्छी लगी तेरी, असलियत जानता है क्या? बोलो ना सर, कर दूंगा मैं। चमत्कारी हीरे वाला कॉइन। क्या कहा? चमत्कारी हीरे वाला कॉइन। चमत्कारी कॉइन कर दूंगा सर, चलेगा। ए, एक बात समझ ले, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तो ही भाई से बात कर लेना। डील कितने का है पता है? कितने का है? 10 करोड़। 10 करोड़? भाई साहब मैं बात करेगा? हाँ, वैसे ये डील किसके ऊपर है? वो कोई चमत्कारी सिक्के की बात कर रहा था। ए, अरे क्या हुआ? चमत्कारी सिक्का? हाँ भाई, चमत्कारी सिक्का। चमत्कारी सिक्का? ज्यादा पकाओ मत, पहले बात क्या है वो बताओ। इसी तरह से 20 साल पहले एक चमत्कारी सिक्के को ढूंढने के लिए 10 लोगों ने जिम्मा उठाया था। हाँ। और वो 10वें 5वें दिन ही इस दुनिया से ही उठ गए। किसने उठाया? इल्लम मुरई के राजा ने। इल्लम? छोड़ो ना उसे, और सुनो, उस सिक्के को भूल जाओ वरना हम सबको उठना पड़ेगा। अरे जाओ यार, मैं नहीं मानता इसको। ये देखो, तुम्हारी तरह ही बहुत से लोग भरोसा नहीं करते थे, उनका भी यही हाल हुआ, सारे लोग साफ हो गए। ए, उस सोनू के बाप का नाम क्या था? हाँ, चिन्ना। हाँ, चिन्ना, उसका भी वही हाल हुआ। एक होते दो होते तो समझ में आता, पूरे 132 लोग मरे हैं। और पता है कैसे? सारे के सारे एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट से? और क्या, एक ही गाड़ी ने सबको मार दिया, लेकिन अभी तक उस गाड़ी का पता नहीं चल पाया। ऐसा है कि चमत्कारी सिक्के को छूने से हम सब मर जाएंगे? हाँ भाई। इल्लम मुराई का ट्रक हमको मार देगा ना? अब ए, इसे जरा अच्छी तरह से समझाना। ए, तुझे भरोसा नहीं है ना? उन 132 लोगों में से मेरे मामा भी थे। भाई, आप मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? ए, ये तो पागल हो गया है, ये सुनने वालों में से नहीं है भाई। हाँ? वो आप जो 132 बोल रहे हो ना, जो चमत्कारी सिक्के को हाथ लगाने से मर गए, उसका आप सबूत दे सकते हो? तुम्हें सबूत चाहिए? किताब में लिखा है ना भाई। एक बात समझ लो, बुरे वक्त पर सब अच्छी बातें करते हैं और अच्छी बातें करने वाले को बुरा बताते हैं। वैसे भी अच्छा काम करने के लिए जो निकलते हैं उनको रोका जाता है। छोड़िए ना ये सब किताबी बातें हैं, चमत्कारी सिक्के की कहानी भी कुछ ऐसी होगी। वो सब छोड़िए, आप मेरे साथ उस सिक्के को लेने आ रहे हैं या नहीं, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मैं भी तुम्हें आखिरी बार ही देख रहा हूँ। ठीक है भाई, ये बुक में ले जा रहा हूँ। ए, मेरा साथ दे दे, 5 करोड़ दूंगा। 5 करोड़? अगर इनके साथ रहेगा तो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएगा। तू फैसला कर, तुझे क्या करना है। मैं चलता हूँ भाई। ए, इसे इतना समझाने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 करोड़? अबे जोकर आ गया तू, मैं जानता था तू जरूर आएगा। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है। हा? पहले अंदर तो आ। अरे बाप रे, 2 ही दिन में इतनी डिटेल्स कलेक्ट कर ली तूने? बड़ी से चमत्कारी सिक्के से एक आदमी की मौत। चमत्कारी सिक्का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हाथों में चला गया, तो अगर हम इन लोगों को पकड़े तो वो सिक्का हमें मिल सकता है। हाँ। वो जो 132 लोग मरे हैं ना, तो उनमें से एक आदमी बच गया था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब क्या करें? ए, इनमें से जो बचा था ना, ये है वो पांडुरंग, ये इन सब लोगों का हेड था। अगर हम इसको पकड़ लेते हैं ना, तो वो सिक्का कहाँ है इसका पता चल जाएगा। लेकिन अभी वो फैमिली के साथ मलेशिया टूर पर गया है, आने के लिए 1 हफ्ता तो लगेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अब हाँ,
तू कोई कंडीशन के बारे में बोल रहा था? मारवा नगर में मेरी पहचान का एक तांत्रिक है, हमें जाकर उनसे बात करनी चाहिए। उससे हम जाकर क्यों बात करें? ए, तांत्रिक के बारे में ऐसा वैसा कुछ बोल मत, तुझे पता नहीं वो कितने बड़े आदमी है। अच्छा? मेरे बाजू के घर का जो विजय है ना, वो हमेशा उनके पास ही जाता है। और खास बात तो ये है कि अगर हम उनसे इस मैटर के बारे में पूछेंगे ना, तो वो हमें आराम से सब कुछ बता देंगे। छोड़ यार। ए, अगर तुझे भरोसा नहीं है ना, तो मैं इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। अबे बड़ा आया जाने वाला, चल बैठ। लेकिन एक बात है, हम लोग वो चमत्कारी सिक्का लेने के लिए जा रहे हैं ना, ये उनको जरूर बोलना। बोलो। बाबा एक पत्थर निकालने का है। कैसा पत्थर? रुक जरा, हम लोग उतना डिटेल में नहीं बता सकते, समझ लीजिए वो कोई पुराना पत्थर है बस। अरे क्या बकवास कर रहा है, उन्हें सब पता चल जाएगा, बता देना उन्हें। अभी चुप। बाबा वो एक पत्थर तो तुम्हें चमत्कारी सिक्का निकालना है और उसी के बारे में यहाँ पता करने आए हो। बाबा बताओ मैं उसके लिए क्या करूं? वो चमत्कारी सिक्के को हाथ लगाने से लोग मर जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हमें आपकी मदद चाहिए थी इसमें, इसलिए हम आपके पास आए। अगर उसे छुएंगे तो भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसी कोई विधि कर दीजिए ना स्वामी जी। यही जानना चाहता है ना पागल। तुम्हें क्या लगता है कि वो जो राजा था वो एक साधारण मनुष्य था? कोई बड़ा सा चमत्कार लगता है इसके बीच। तो तुम नहीं समझ रहे हो इस रूम में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं स्वामी जी। अब इसे तुम मुट्ठी में बंद करके देखो। ये सब आत्माएं हैं, ये सब उस सिक्के की तलाश में थे, ये वहां तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही सिक्के को छुआ इनकी मृत्यु हो गई। और अब तू भी उसे पाने की सोच रहा है, तो सुन, उसे छूते ही तू भी मर जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, उस सिक्के को निकालने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि वो सिक्का साधारण नहीं है। बाप रे, तो उसे निकालने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है?